सफलता का रहस्य क्या है? जब यह प्रश्न एक युवक ने यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से किया, तो इस प्रश्न के उत्तर में सुकरात ने उस युवक को कल सुबह नदी किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन सुबह के समय वह युवक और सुकरात दोनों नदी किनारे पहुंच गए। सुकरात ने नौजवान युवक से उनके साथ पानी में आगे बढ़ने को कहा। युवक सुकरात के साथ नदी में पानी की ओर बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक आ गया, तब अचानक सुकरात ने उस युवक का सिर पानी में डुबो दिया। नौजवान युवक अपना सिर बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात ताकतवर थे, इसलिए युवक का पानी से बाहर निकलने का हर प्रयास विफल होता जा रहा था। जब शरीर नीला पड़ने लगा, तब जाकर सुकरात ने उस युवक का सिर पानी से बाहर निकाला और बाहर निकलते ही जो काम नौजवान ने सबसे पहले किया वो था हांफते हुए जल्दी जल्दी सांस लेना। सुकरात ने उस युवक से पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? नौजवान युवक ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतना ही ज्यादा चाहोगे जितना कि तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। जीवनदास नाम का एक गरीब मदारी अपने बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका चलाया करता था। वह और उसकी स्त्री बुधिया दोनों मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान न थी, मन्नू ही उनके स्नेह और प्रेम का पात्र था। दोनों उसे अपने साथ खिलाते और अपने साथ सुलाते थे। उनकी दृष्टि में मन्नू से अधिक प्रिय वस्तु न थी। जीवनदास उसके लिए एक गेंद लाया था। मन्नू आंगन में गेंद खेला करता था। उसके भोजन करने को एक मिट्टी का प्याला था, ओढ़ने को कंबल का एक टुकड़ा, सोने को एक बोरिया और उचकने के लिए छप्पर में एक रस्सी। मन्नू इन वस्तुओं पर जान देता था। जब तक उसके प्याले में कोई चीज न रख दी जाए वह भोजन न करता था। अपना टाट और कंबल का टुकड़ा उसे शाल और गद्दे से भी प्यारा था। उसके दिन बड़े सुख से बीतते थे। वह प्रात काल रोटियां खाकर मदारी के साथ तमाशा करने जाता था। वह नकले करने में इतना निपुण था कि दर्शकवृंद तमाशा देखकर मुग्ध हो जाते थे। लकड़ी हाथ में लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा लगाता, फिर पोथी बगल में दबाकर पाठ करने चलता। ढोल बजाकर गाने की नकल इतनी मनोहर थी कि दर्शक लोटपोट हो जाते थे। तमाशा खत्म हो जाने पर वह सबको सलाम करता था, लोगों के पैर पकड़कर पैसे वसूल करता था। मन्नू का कटोरा पैसों से भर जाता था। इसके उपरांत कोई मन्नू को एक अमरूद खिला देता, काई उसके सामने मिठाई फेंक देता। लड़कों को तो उसे देखने से जी ही न भरता था। वे अपने अपने घर से दौड़ दौड़ कर रोटियां लाते और उसे खिलाते थे। मोहल्ले के लोगों के लिए भी मन्नू मनोरंजन की एक सामग्री थी। जब वह घर पर रहता तो एक न एक आदमी आकर उससे खेलता रहा था। खोचे वाले फेरी करते हुए उसे कुछ न कुछ दे देते थे। जो बिना दिए निकल जाने की चेष्टा करता उससे भी मन्नू पैर पकड़कर वसूल कर लिया करता था। मन्नू को अगर चिढ़ थी तो कुत्तों से। उसके मारे उधर से कोई कुत्ता न निकलने पाता था और कोई आ जाता तो मन्नू उसे अवश्य ही दो चार कनेखियां और झंपड़ लगाता था। उसके सर्वप्रिय होने का यह एक और कारण था। दिन को कभी कभी बुधिया धूप में लेट जाती तो मन्नू उसके सिर की जुएं निकालता और वह उसे गाना सुनाती। वह जहां कहीं जाती थी वहीं मन्नू उसके पीछे पीछे जाता था। माता और पुत्र में भी इससे अधिक प्रेम न हो सकता था। एक दिन मन्नू के जी में आया कि चलकर कहीं फल खाना चाहिए। फल खाने को मिलते तो थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उचकने, कुछ खाने और कुछ गिराने में कुछ और ही मजा था। बंदर विनोदशील होते ही हैं और मन्नू में इसकी मात्रा कुछ अधिक थी भी। कभी पकड़ धकड़ और मारपीट की नौबत न आई थी।
पेड़ों पर चढ़कर फल खाना उसके लिए स्वाभाविक जान पड़ता था। यह न जानता था कि वहाँ प्राकृतिक वस्तुओं पर भी किसी न किसी की छाप लगी हुई है। जल, वायु, प्रकाश पर भी लोगों ने अधिकार जमा रखा है, फिर बाग बगीचों का तो कहना ही क्या। दोपहर को जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तो मन्नू लंबा हुआ। वह यूं भी मोहल्ले में चला जाया करता था, इसलिए किसी को संदेह न हुआ कि वह कहीं चला गया। उधर वह घूमता घामता खपरेलों पर उछलता कूदता एक बगीचे में जा पहुंचा। देखा तो फलों से पेड़ल दे हुए हैं, आंवला, कटहल, लीची, आम, पपीते वगैरह लटकते देखकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया। मानो वे वक्षरी उसे अपनी ओर बुला रहे थे कि खाओ, जहां तक खाया जाए यहां किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तुरंत एक छलांग मारकर चहार दीवारी पर चढ़ गया, दूसरी छलांग में पेड़ों पर जा पहुंचा, कुछ आम खाए, कुछ लीचियां खाई, खुशी हो होकर गुठलियां इधर उधर फेंकना शुरू किया, फिर सबसे ऊंची डाल पर जा पहुंचा और डालियों को हिलाने लगा। पके आम जमीन पर बिछ गए, खड़खड़ाहट हुई तो माली दोपहर की नींद से चौंका और मन्नू को देखते ही उसे पत्थरों से मारने लगा। पर या तो पत्थर उसके पास तक पहुंचते ही न थे, या वह सिर और शरीर हिलाकर पत्थरों को बचा जाता था। बीच बीच में बागबान को दांत निकालकर डराता भी था, कभी मुंह बनाकर उसे काटने की धमकी भी देता था। माली बुदर घुड़कियों से डरकर भागता था और फिर पत्थर लेकर आ जाता था। यह कौतुक देखकर मोहल्ले के बालक जमा हो गए और शोर मचाने लगे, ओ बंदरवा लोयलाए, बाल उखाड़ू टोयटाए, ओ बंदर तेरा मुंह है लाल, पिचके पिचके तेरे गाल, मर गई नानी बंदर की, टूटी टांग मुछंदर की। मन्नू को इस शोरगुल में बड़ा आनंद आ रहा था। वह आधे फल खा खा कर नीचे गिराता था और लड़के लपकल पकक चुन लेते और तालियां बजा जाकर कहते थे, बंदर मामू और कहां तुम्हारा ठौर। माली ने जब देखा कि यह विप्लव शांत होने में नहीं आता तो जाकर अपने स्वामी को खबर दी। वह हजरत पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, सुनते ही जामे से बाहर हो गए। बंदर की इतनी मजाल कि मेरे बगीचे में आकर ऊधम मचावे, बंगले का किराया मैं देता हूँ, कुछ बंदर नहीं देता। यहाँ कितने ही असहयोगियों को लदवा दिया, अखबार वाले मेरे नाम से कांपते हैं, बंदर की क्या हस्ती है। तुरंत बंदूक उठाई और बगीचे में आ पहुंचे, देखा मन्नू एक पेड़ को जोर जोर से हिला रहा था, लाल हो गए और उसी तरफ बंदूक तानी। बंदूक देखते ही मन्नू के होश उड़ गए, उस पर आज तक किसी ने बंदूक नहीं तानी थी, पर उसने बंदूक की आवाज सुनी थी, चिड़ियों को मारे जाते देखा था और न देखा होता तो भी बंदूक से उसे स्वाभाविक भय होता। पशु बुद्धि अपने शत्रुओं से स्वतः सशंक हो जाती है। मन्नू के पाव मानो सुन्न हो गए, वह उछलाकर किसी दूसरे वृक्ष पर भी न जा सका, उसी डाल पर दुबक कर बैठ गया। साहब को उसकी यह कला पसंद आई, दया आ गई, माली को भेजा, जाकर बंदर को पकड़ ला। माली दिल में तो डरा पर साहब के गुस्से को जानता था, चुपके से वृक्ष पर चढ़ गया और हजरत बंदर को